बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेबी किचन। आज मैं बना रही हूँ दही चिकन की रेसिपी। दही चिकन बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ आप वो नोट कर लें। चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम और दही लिया है मैंने 250 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है दोनों को, और हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून, नमक लिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च लिया है मैंने 1 टीस्पून और चाट मसाला 1.5 टीस्पून लिया है। धनिया पाउडर और ये गरम मसाला भी लिया है और ज़ीरा भी लिया है मैंने। ग्रीन चिल्ली को मैंने चॉप कर लिया है और धनिया को भी मैंने चॉप कर लिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस 2 टेबल स्पून चाहिए। ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि जब चिकन को ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसको बनाएंगे तो ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, लाइट सा इसका गोल्डन कलर होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। चिकन जो है ये अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं, अभी ये वाइट हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा कलर आया, गोल्डन सा शेड आया है। ये देखें, ये गोल्डन हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट और लगे हैं और ये इसका कलर गोल्डन हो गया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के उसको चिकन के साथ भूनेंगे। बस हम इसको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब दही में मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके हम तमाम मसालों को चिकन में डालकर पकाएंगे। तमाम मसाले दही में अच्छे से मिक्स कर लें और ये मैंने इनको चिकन में डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर पकाएंगे ताकि ये मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। हम इसको ढक्कन देकर बना रहे ताकि इसका दही चिकन तैयार हो चुका है। मैंने इसमें इस वज़ में जो है वो शामिल की है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसको पीस लिया था, पीस के शामिल किया है। हमारा दही चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत कम टाइम लगेगा और ये अब खाने में बहुत टेस्टी होगा। दही चिकन तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।